हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। और ये वीडियो है सेकंड पार्ट ऑफ सैमको एपीआई। फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट मंथ क्रिएट किया था और थोड़ा मैं बीच में बिजी था, इसलिए आज मैं सेकंड पार्ट क्रिएट कर रहा हूँ आफ्टर वन मंथ। और आज की वीडियो में हम ऑर्डर बुक, पोजिशन बुक, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं, जो बेसिक्स एपीआई फीचर्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और आप देखोगे तो ये ऑलरेडी चीज़ें हमें दे रखी हैं, आपको कॉपी करके पेस्ट करना है अपने टर्मिनल पे। और फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को वो भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो मैं लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, ये अपना है कोड, यू कैन सी हियर। तो अभी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। ओके, और यहाँ पे आपको अपने यूजर नेम, पासवर्ड और ईयर ऑफ बर्थ एंटर करना है, एग्जीक्यूट करना। ओके, सो मैं यहाँ पे करेक्ट कैंसिल भी एंटर कर रहा हूँ। फाइन, यूजर नेम, पासवर्ड और ईयर ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है ये सेक्शन। ये सब ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रखा है, ये अपना हो गया लॉग्ड इन। ओके, और उसके बाद आपको चाहिए टोकन डीएफ, तो आप यहाँ जनरेट कर सकते हो, यू कैन कॉल दिस वन। थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 सेकंड लगते हैं टोकन जनरेट करने में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं। ओके फाइन, ये अपना हो गया, ये अपने आ गई फाइल। ओके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मास्टर लिस्ट आ गई, यू कैन से। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट। उसके लिए हम आते हैं गिटहब पेज पे, और इसका यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, ये यूआरएल है, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर। ओके, सो ऑर्डर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑर्डर। ओके, यू कैन सी प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे एपीआई की लिस्ट दे रखी है, तो इन सारों को डिस्कस मैं नहीं करूँगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सब हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हो, जस्ट कॉपी पेस्टिंग। ओके, तो लॉगिन मैं ऑलरेडी यूज कर रखा है। अब हम आते हैं इस पे यूजर लिमिट पे। ओके, तो अगर आप लिमिट देखो तो क्या है, आपको मिलता है कि कितना आपके पास मार्जिन अवेलेबल है, कैश क्या है। जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड सिंपली पेस्ट हियर। सो अगर मैं इंटर करूँ तो आप देखो यहाँ पर मुझे मिल गया अपने अकाउंट का मार्जिन। ओके, तो राइट नाउ आई थिंक इसमें 500 का अराउंड कुछ अवेलेबल, यू कैन सी 513। ओके, सो ये अपनी एपीआई हो गई मार्ज लिमिट्स की। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद देते हैं प्लेस ऑर्डर। ओके, प्लेस ऑर्डर देखो सिंपल सा है। अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड पेस्ट हियर। अब यहाँ पे क्या पैरामीटर्स क्या वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है। ओके, रिलायंस या फिर जो भी इक्विटी, या फिर अगर आप FN नॉमिनेट कर रहे हो तो ऑप्शन का सिंबल। फिर आपका एक्सचेंज कौन सा है, NSE। आपको बाय करना तो यहाँ बाई होगा, सेल करना तो यहाँ पे सेल आ जाएगा। ओके, यू कैन टाइप हियर SEE. ओके, और टाइप पता है आपको लिमिट या क्या पास करना है, प्राइस, किस प्राइस पे। अगर लिमिट है तो यहाँ प्राइस दोगे आप। ओके, क्वांटिटी एंड ये डिस्क्लोज क्वांटिटी, मतलब पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम है, MIS है या फिर CNC है। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पैरामीटर्स है इसकी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी हमें, एक्सचेंज करना है, टाइप सेल करना है, क्या है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और आप लास्ट में जाओगे ना, यू कैन गो एट लास्ट, सो यू कैन सी हियर। यहाँ पे देखो क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप है बाई, सेल, और टाइप क्या, लिमिट, SLM, SL, वैलिडिटी क्या है। जो भी ऑर्डर के पैरामीटर्स थे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, आपको कौन सा ऑर्डर टाइप चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो सेम पैरामीटर आपको यहाँ पे यूज करने हैं। ओके, सो अगर मैं इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करूँ तो अपने को मिलेगा एरर, क्योंकि मार्केट क्लोज है ऑब्वियसली। सो यू कैन सी हियर योर ऑर्डर वाज रिजेक्टेड। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इस रिस्पॉन्स को पहले कैप्चर करता हूँ। ओके, एक तो प्रॉब्लम ये क्योंकि सारे रिस्पॉन्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहे हैं, सो एक अलग ही प्रॉब्लम है। सो इसके बाद हम करेंगे json.load और हम यहाँ पे रिस्पॉन्स पास करते हैं। ओके, अगर मैं फिर से करूँ तो फाइन, अभी देखो ये थोड़ा सा एक फॉर्मेट में आ रहा है। सो ये रिजेक्ट हो गया। अगर आपके सारे पैरामीटर करेक्ट होंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मार्केट ओपन होगी। तो सो अगर लेट से कि अगर मैं देखूँ ब्रांड्स का प्राइस अभी क्या चल रहा होगा, कैन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस का अभी प्राइस जो है वो 2569 है, मार्केट क्लोज है ऑब्वियसली। सो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लेट से आप अगर आपको लिमिट ऑर्डर डालना है तो यू कैन पुट 2560। ओके, 50। ओके, और क्वांटिटी आप लेट से 15 कर दो, वैलिडिटी डे कर दो, MIS है, या फिर मैंने बताया आपको कि आप यहाँ पे चेंज करके CNC कर सकते हो। ये सब चेंज करके आप इसे प्लेस करोगे तो वही सेम ऑब्वियसली है, रिजेक्टेड। ओके, रिजेक्ट हो गया। और ये आप देखोगे तो यहाँ मैंने टर्मिनल ओपन कर रखा है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, आई थिंक ये आना चाहिए रिफ्रेश। तो ये जो भी ऑर्डर मैंने अभी जस्ट प्लेस किया वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, रिजेक्टेड, 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 रिजेक्टेड। ओके, मेरा पॉइंट बस यही है कि कैसे फंक्शन को यूज करना है। अभी एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा वो मेरा पॉइंट नहीं है, व्हेन यू ट्राई इन द लाइव मार्केट इट विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपर। ओके, सो नाउ वी गेट आइडिया कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। पैरामीटर एग्जैक्टली सेम है लाइक अदर ब्रोकर्स। ओके, तो कैसे क्या करना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर बुक पे, कि इंपॉर्टेंट वही ऑर्डर बुक है। सो अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो वांट टू नो कि क्या ऑर्डर प्लेस हुआ है, नहीं हुआ, स्टेटस क्या है। ओके, सो ऑर्डर बुक आप अगर यहाँ पे क्लिक करो, सो जस्ट क्लिक कॉपी दिस वन। मैंने बोला बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको बस कॉपी पेस्ट करते जाना है और एग्जीक्यूट करना है। देखो अब अगेन यार, ये तो प्रॉब्लम की अलग ही है कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्स इन प्रॉपर JSON, तो अपने को बार बार इसे कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो अभी देखो ये अपना ऑर्डर बुक आ गया। ओके, अभी अपना ऑर्डर बुक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, वी कैन से इन डेटा फ्रेम। ओके, तो मैं इसको नाम रखता हूँ ऑर्डर बुक इज इक्वल टू
ठीक है, अब इसमें से अब हमें क्या चाहिए अपने पास, और ये देखो ये डिटेल स्टेशन, ये अपने काम की चीज़ है। सो इसको मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैंने पास कर दिया डेटा थ्री। ओके एंड ये अपना आ गया इधर, फाइन। ओ सॉरी जेसन इज़ हियर। सो ये अपना आ गया ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम, और यहाँ पे सारे पैरामीटर्स हैं, तो आप इजीली अब इसे एक्सेस कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो, एग्जीक्यूटेड प्राइस क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको चाहिए प्रॉपर तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या रिस्पॉन्स आएगा, यू कैन सी इजीली। ओके अब नेक्स्ट एपीआई कॉल हमारी क्या है, अगर मैं वापस से आऊँ यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। सो ऑर्डर बुक आ गया अपना, अब कैंसिल करना है तो वो भी ईजी है, आप देखोगे तो क्या है सैमको डॉट कैंसिल ऑर्डर। ओके सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मेरे को लेट से यही ऑर्डर कैंसिल करने जो अभी मैं जस्ट प्लेस किया, सो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर नंबर पास कर। ऑर्डर नंबर यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको, यू कैन सी दिस ऑर्डर नंबर। ओके तो इजीली आप रिस्पॉन्स से कॉपी कर सकते हो रिस्पॉन्स, और अगर आप यहाँ पे ये नंबर पास करो, ओके सो दिस इज हियर, और यू कैन ऑल्सो वाट यू कैन डू, क्योंकि आइडियटली आप कोड करोगे तो ऐसे नहीं कर सकते, सो वाट यू कैन डू लेट से ऑर्डर, इसको मैं अगर ऑर्डर रिस्पॉन्स असाइन कर दूँ लेट से, ओके सो ये अपना ऑर्डर रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे मैं मिल जाएगा मुझे ऑर्डर नंबर। तो अगर ये यहाँ पे मैं लेके आऊँ इधर रिस्पॉन्स एंड ऑर्डर नंबर इज हियर, फाइन। ओके फाइन ये अपना हो गया कैंसिलेशन की एपीआई कॉल, और जैसे आप इसे हिट करोगे ये देखो आ गया करंट ऑर्डर इज रिजेक्टेड स्टेटस कैन नॉट कैंसिल सच ऑर्डर, तो ये अपने रिस्पॉन्स है, तो ऐसे आप कैंसिल भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट एपीआई कॉल जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉडिफाई की। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखो तो ये मॉडिफाई की एपीआई कॉल, जस्ट कॉपी कर लो आप इसे यहाँ पे, और बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप मेरे को बिल करते हो, मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे को क्या होता है ऑर्डर प्लेसमेंट चाहिए, कैंसिलेशन चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए, यही इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं जो कि मुझे रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली, तो इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैंसिल आपने ऐसे कर दिया, ओके अब यही ऑर्डर नंबर आप उठाओगे, क्योंकि आपको मॉडिफाई करना तो ऑर्डर नंबर तो चाहिए ही चाहिए इससे मैंडेटरी। अब आपको क्या मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे देखो बॉडी क्वांटिटी इक्वल टू 50, तो ये बॉडी एग्जैक्टली सेम है जो हमने ऑर्डर प्लेसमेंट में यूज किया था, यू कैन सी हियर दिस बॉडी। ओके ये देखो ये बॉडी, ये एग्जैक्टली यही बॉडी यहाँ पे आपको पास करनी है, तो मेरे को मॉडिफाई क्या करना है, क्वांटिटी मॉडिफाई करना, तो मैं यहाँ क्वांटिटी पास करूँगा। अगर लेट से मेरे को ऑर्डर टाइप चेंज करना है, या फिर लेट से हमारी लिमिट, मुझे लिमिट प्राइस चेंज करनी है, तो आप ये उठाओ प्राइस और यहाँ पे डालो और यहाँ पे अपने एंटर कर दो। अब जो भी आपकी लिमिट प्राइस होगी, जो भी आपका करंट ऑर्डर होगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सिमिलरली अगर ऑर्डर टाइप चेंज करना है तो आप कॉमा दे दो और ऑर्डर टाइप उठा रहे यहाँ से, देखो क्या था ये ऑर्डर टाइप यहाँ पे, ओके एंड प्लेस दिस वन। इस तरह से जो भी पैरामीटर आपको चेंज करने हैं यहाँ पे पास करके बॉडी में, और एपीआई हिट करोगे तो ये मॉडिफाई कर देगा। ओके सो आई थिंक अभी तो कुछ होगा नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपन। प्लीज इंटर अप्रोप्रिएट वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर डे आई यू, ओके देर साम मिरर, क्योंकि ऐसे ऑर्डर तो वैसे ही एग्जीक्यूटेड है नहीं, सो हम इसे मॉडिफाई वैसे भी नहीं कर सकते, बट मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके अनफॉर्चुनेटली मार्केट लो जैसे, तो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट प्रोसेस यही है, आपको ऐसे कैंसिल करना है, फिर मॉडिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना हो जो भी आपको मॉडिफाई करना है। ओके तो कैंसिलेशन हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई, ऑर्डर प्लेसमेंट हो गई, अब लास्ट में हम क्या देख सकते हैं, पोजिशन बुक तो कुछ होगा नहीं, बट इफ़ यू वॉन्ट तो सिमिलरली आप यहाँ पे पोजिशन बुक कॉल कर सकते हो। ये देखो पोजिशन है यहाँ पे, क्या पोजिशन ऑफ द डे, ओके अगर इसको मैं कॉल करूँगी लेट्स सी व्हाट हैपेंस, नथिंग इज देयर, कुछ नहीं है, नो पोजिशन फाउंड, और बाकी क्या पॉसिबिलिटीज है पोजिशन बुक की। सो अगर मैं देखूँ तो एक कन्वर्जन है, कैसे हम इंट्राडे को सीएनसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम फोर ईपे डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिगार्डिंग है कैंडल डेटा। यू कैन सी हियर इंट्राडे कैंडल डेटा, फिर इंडेक्स इंट्राडे कैंडल डेटा, हिस्टोरिकल कैंडल डेटा और इंडेक्स हिस्टोरिकल कैंडल डेटा। तो ये चार एपीआई कॉल्स हैं टू फेचिंग कैंडल डेटा। इन चारों का मीनिंग क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इंट्राडे कैंडल देख रहे हो ना आप, इंट्राडे इंडेक्स और इंट्राडे नॉर्मल, इसका मीनिंग क्या है कि आपको मिलेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल डेटा, ओके 1 मिनट, ओके। और जो हिस्टोरिकल, इससे आपको मिलेगा 1 डे का डेटा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अपना पैरामीटर नहीं पास कर सकते, लाइक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये आपको बाय डिफॉल्ट देगा 1 मिनट का इंट्राडे वाला, आप इसे कन्वर्ट करो अपने अकॉर्डिंग 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में। और जो हिस्टोरिकल वाला, ये आपको देगा 1 डे का, आप इसे कन्वर्ट कर लो 1 वीक, 1 मंथ एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके तो ये मीनिंग है। अब हम चलता हूँ 1 बाय 1। तो पहला इंट्राडे कैंडल डेटा, इसको क्लिक करोगे आप, सो आप यहाँ पे आ जाओगे सबसे लास्ट में, एक्चुअली यहाँ पे आइडली आना चाहिए था। ओके सो मैं ही चला जाता हूँ लास्ट में, ये अपना है इंडेक्स इंट्राडे समवेयर हिस्टोरिकल, इसके ऊपर अपना ये इंडेक्स,
सो दिस वन ओके, ये अपना इंट्राडे कैंडल डेटा ओके। तो इंट्राडे में देखो तो क्या है कि सिंपल सा है, यहाँ पे आपको कॉल करनी गेट इंट्राडे कैंडल और सिंबल पास करना इन्फोसिस एक्सचेंज ओके फ्रॉम डेट एंड टू डेट। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ सो बेटर आइडिया मिल जाएगा हमें। सो अगर मैं इसे यहाँ पेस्ट करूँ तो इसके पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पहला है सिंपल नेम, सिंपल इन्फ्यू इन्फोसिस, और इसका एक्सचेंज क्या है NSC फ्रॉम किस डेट से चाहिए कहाँ तक, फ्रॉम टू डेट, वो भी सिंपल सा है। तो अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे रिसेंट चाहिए तो लेट से 07 ओके 17 से लेके मुझे आज तक चाहिए, तो जैसे 08 ओके और आज 1 अगस्त, तो मैं यहाँ पे 01 कर देता हूँ एंड एंटर डेट। तो इंटर डे कैंडल नॉट फाउंड प्रोवाइड इनपुट ओके सो समथिंग ओके सॉरी अपने यहाँ पे 2022 देना है, 22 यहाँ पे देता हूँ 2022 अब आई थिंक आना चाहिए ओके। सो यू कैन सी ये अपना आ गया रिजल्ट। तो इसे हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे यही है हमेशा कि अपने को चाहिए JSON कैंडल रिस्पॉन्स लेट से, और इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ JSON में, और इसको JSON डॉट लोड समवेयर वी यूज दिस वन ओके फाइन। सो ये अपना कैंडल रिस्पॉन्स ओके, अगेन मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये अपना आ गया कैंडल डेटा। इसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम में, तो एज यूजुअल जैसे मैंने यहाँ पे किया एग्जैक्टली मैं यहाँ भी यही करता हूँ PD डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे कैंडल रिस्पॉन्स और क्या चाहिए हमें, ये चाहिए अपने को ये वाला सिलेंडर ओके। सो अगेन आई विल डू डेट, तो ये अपना आ गया कैंडल डेटा ओके। अब यहाँ पे देखो तो टाइमिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सा 8:53, 9:09, 01:02। अब ये प्रॉब्लम है, इसको फिल्टर कैसे करना वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ओके। मैंने बस ये आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे इस इन्फॉर्मेशन को फेच करनी है। अब इसमें से इश्यूज क्या है, कैसे फिल्टर करना है, सब टू यू ओके। ये रिस्पॉन्स मुझे API से मिल रहा है, आई जस्ट डिस्प्ले हियर ओके। अब हम जाते हैं सेकेंड वाला जो अपना पॉइंट है, क्या है इंडेक्स ओके। इंडेक्स का भी एग्जैक्ट सेम है, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेंसेक्स, और आप यहाँ से फ्रॉम टू को कॉपी कर रहे हो एग्जैक्टली सेम ओके। सो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके अगर इंटर करूँ तो ये आ गया अपना इंडेक्स का डेटा सेंसेक्स का। निफ्टी चाहिए तो यू कैन पास हियर Nifty 50 एंड जस्ट वेट, और ये आ गया Nifty 50 ओके। और अगर आपको यहाँ पे Nifty 8 चाहिए लेट से, तो आप यहाँ पास करो 8, रिस्पॉन्स आ गया। इसको कैसे पार्स करना है यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया ना एग्जैक्टली सेम वे में, आप यहाँ भी इसे वो भी पार्स कर सकते हो ओके। आप चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली सेम वे, और मैं यहाँ भी इसको कैंडल रिस्पॉन्स में साइन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी आई थिंक इंडेक्स इंटर्ड है ओके। तो इंडेक्स इंटर्ड है एंड अगेन इंटर्ड एंड यू कैन सी ये अपना आ गया कैंडल डेटा ऑफ इंडेक्स ओके। तो आपको समझ में आ गया ना कि इंडेक्स इंटर्ड है और इंटर्ड नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। ये इंडेक्स के लिए है और ये इंटर्डे के लिए, और टाइम फ्रेम आपको हमेशा केवल 1 मिनट ही मिलेगा, यू कैन सी 15, 16, 17। आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आई थिंक इन्हें एडिशन देना चाहिए जैसे कि बाकी UPIs में होता है कि आप यहाँ पर टाइम फ्रेम भी इंटर कर सकते हो लाइक 1, 3, 5, वो अभी यहाँ पे आई थिंक नहीं है ओके। और हम देखते हैं हिस्टोरिकल कैंडल डेटा को, सो वो भी एग्जैक्टली सेम ही है। आप यहाँ पे देखोगे तो हिस्टोरिकल कैंडल डेटा, और यहाँ पे आप कॉपी कर लो इसको एंड जस्ट पेस्ट दिस वन हियर, और यहाँ पे देखो तो सिंबल में अपना क्या है इस बार है अपना ऑप्शंस ओके। तो मैं इसको क्या करता हूँ अपना करंट ऑप्शन लेता हूँ ओके। एक बार हम ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, लेट्स से हम इसी को पिक करते हैं ओके, और मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और करंट डेट ले लेते हैं लाइक सेम जैसे यहाँ पे था ना एग्जैक्टली, मैं इसी को पिक कर लेता हूँ, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो फ्रॉम ओ सॉरी यहाँ पे जो हमें डेट देना है ना, तो हम यहाँ पे देते हैं 2022 7:14 से अपने को चाहिए टुडे, सो 2022 08, और मैं आज का डेट लेता हूँ 01 1 अगस्त है जस्ट वेट। सो हिस्टोरिकल कैंडिडेट नॉट प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग इनपुट, सो व्हाट इज द इशू 7:30 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ठीक है आई थिंक अब देना चाहिए ओके। सर सम इशू स्टेटस हिस्टोरिकल कैंडल डेटा नॉट फॉर द प्रोवाइडिंग आउट इनपुट ओके, सो लेट्स ट्राई डिफरेंट थिंग। अगर मैं ये ट्राई करूँ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, NFO तो है ही है, सही है सब कुछ सही लग रहा है 7:30, 7:03 फाइन। सो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, सो आइडली से वर्क करना चाहिए ओके। सो एक काम करता हूँ एक बार ना ये उठाता हूँ एग्जैक्टली सेम टू सेम
आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, अब कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, एक्सचेंज कॉल टू एक्सचेंज फैनो सही है, सिंपल नहीं बट ठीक ही है, शो कैंडिडेट आर नॉट वर्ड फॉर द फॉलो। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं एज यूजुअल, सो मे बी साथ कुछ तो दे, ओके देयर सम इशू आई थिंक, सो अगेन मैं शो कैंडिडेट डेटा फ्रॉम डेट, ओ सॉरी एंट्री में तो अपने को यहाँ पे पास करना पड़ेगा NSC, ओके सो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे हम पास करते हैं NSC, ओके सो NSC में तो ये वर्क सही कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर द ऑप्शंस डेटा। सो मैं वापस आता हूँ इधर इंडेक्स पे, अब मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा बाद में, ओके सो जस्ट कॉपी अगेन, सॉरी दिस सेक्शन अपने कॉपी करना पड़ेगा ना ये वाली, ओके सो ये अपना इंडेक्स इशू का डेटा है, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं, ओके सो अगेन ट्राई जो इंटर सेम थिंग, देखते हैं कुछ आता है, हाँ आ तो गया यहाँ पे रिस्पॉन्स, ओके सो ये भी वर्क कर रहा है। तो हमने चारों API कॉल को डिस्कस किया, ओके इंट्राडे कैंडल डेटा, इंडेक्स इंट्राडे, फिर इशूड कॉल और इंडेक्स इशूड कॉल। यहाँ पे एक इशू अभी हमें फेस हुआ कि ये ऑप्शन के लिए वर्क नहीं कर रहा, सो मैं उसको बाद में देखूंगा, अगर आई फाउंड सोल्यूशन आई विल अपडेट, ओके अदरवाइज अभी तो मुझे पता नहीं क्यों चल रहा है, बट इंडेक्स सॉरी ये इक्विटी के लिए सही वर्क कर रहा है, ओके मे बी सम इशू फ्रॉम देयर एंड। सो आई थिंक हमने जो भी इंपॉर्टेंट API कॉल थी सब हमने डिस्कवर कर लिया यहाँ पे, ओके अनफॉर्चुनेटली मार्केट क्लोज थी तो मैंने ऑर्डर प्लेसमेंट एक्जैक्टली लाइव करके नहीं दिखा पाया मैं, बट आई एम प्रेटी श्योर अगर आप इसे फॉलो करोगे तो एक्जैक्टली प्लेस हो जाएगा। अगर इशू आता भी तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अपने एंड पे एफर्ट मारो और सॉल्व करो उसे खुद से, ओके बाकी जो भी कॉल मुझे लगते थे एक्सप्लेन करने थे मैंने कर दिया। अब होल्डिंग देखो, होल्डिंग मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें होल्डिंग है इस अकाउंट में, एंड आई रन दिस वन हियर, सो यहाँ पे देखो तो कुछ रिस्पॉन्स आ गया, यू कैन सी रिस्पॉन्स आ गया, सो बेसिकली इसमें ऑलरेडी कुछ होल्डिंग थी तो मैं यहाँ पर होल्डिंग को स्पेंड कर दिया। तो आप बस एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हो ना ये लाइंस को भी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे API वर्क कर रही है, और सो फार मैंने देखा है कि API बेटर है, और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए एल्गो बिल्ड करने के लिए सारी API कॉल यहाँ पे दे रखी गई है, ओके आई थिंक जो भी बेसिक API थी सैमको के रिगार्डिंग मैंने स्पेंड कर दिया है, ओके इसके अलावा कुछ बचता है तो आई सजेस्ट यू टू एक्सप्लोर बाय योर सेल्फ। एक बार आपने अगर सेटअप कर लिया है लैपटॉप पे अपने इंस्टॉल लाइब्रेरीज ऑफ सैमकोज API, फिर तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको है, बस आप यहाँ पे इसको क्लिक करो और सिंटेक्स कॉपी करो, पेस्ट करो, रन करो, आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी, ओके मैंने वैसे गाइडेंस दे दिया आप कैसे आपको यूज करना, ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।